नमस्कार दर्शक भाइयों। तो दर्शक भाइयों, आज जिला मेरठ में हूँ और 245 ट्रैक्टर है प्लेनेटरी प्लस। तो भैया आप पहले थोड़ा अपने बारे में बताओ, नाम पता एड्रेस। नाम पता एड्रेस गांव तोफापुर। ठीक है, नाम बताओ। नाम टेकुन। जिला मेरठ। जिला मेरठ। तो सबसे पहले कौन सा ट्रैक्टर चला? सबसे पहले आईसर चला 241। हाँ। उससे बाद में लिया। हाँ। कब खरीदा ट्रैक्टर? हो गए सर 6-7 महीने। तो ट्रैक्टर तो और भी हैं, 50 HP के बहुत ट्रैक्टर आए हैं मार्केट में। हाँ। जॉन डियर भी, आईसर भी है, वे क्यों ना लिए? बस लुक है इसकी अपने उसमें, आलुओं में सबसे बेहतरीन है। अच्छा, वैसे रूटावेटर पर चला हुआ है या और किसी चीज़ पर? कोई शिकायत तो ना ट्रैक्टर में? कुछ नहीं, बिल्कुल बिंदा। नो बतावा है, मैं इसी रूटावेटर पर तेल ज़्यादा ले हुए? कोई नहीं, ये तो सभी बीघे का लीटर ले, कोई भी है बीघे से लिया जाए। तो अब जॉन डियर की मार्केट ज़्यादा चल रही है, तो जॉन डियर क्यों ना लिया 50? जॉन डियर का आधी बात वही नहीं मिलते, पार्ट ही नहीं मिलते हमारे मेरठ में। हाँ जी हाँ, अब तो बहुत ट्रैक्टर हैं मेरठ में, जॉन डियर के पार्ट नहीं है आज भी। गाजियाबाद से परे परे की बात करो, जिला मेरठ के देख रहे हैं किसान, वे तो नो कहेंगे नीचे कमेंट में कि मिलेंगे, कैसे ना मिले? ना ना ना, मिलेंगे तो वे हमें भेजो लिख के। अच्छा, एक 13 के टायरों वाला भी आवा है ट्रैक्टर, ये 14। हाँ, ये 14 में लिया आपने। तो आप एजेंसी वालों ने दिया आपको या आपने चूज करा ट्रैक्टर? हमने तो ये कह के लिया 14। तो जैसे टायर चौड़ा होगा, आलू वालों में कोई शिकायत तो ना? कोई शिकायत, जब इससे बुएंगे 14 के से तो कोई शिकायत नहीं, और 13 के से बुआ के पाड़ोगे तो शिकायत। तो जैसे अब 7-8 महीने हो गए, तो कोई ऐसी कमी बताओ ट्रैक्टर के अंदर जो दिखाई दी हो या कंपनी को दूर करनी चाहिए, कोई छोटी मोटी? कोई कमी नहीं, कोई छोटी मोटी ऐसी कमी हो जो यहाँ से हटके यहाँ होनी चाहिए ऐसा? बस हटके तो यही है, सब ये सही चल रहे हैं, हम तो 15-21 पे चलाते हैं। 1500 RPM पे चलाओ? हाँ ठीक है, 1500-1600 भी बेस्ट चलेगा। अच्छा, तुम 1800 पे अब 2000 पे चलाओगे तो तेल ज़्यादा खाओ, स्लिपेज भी लेगा ट्रैक्टर। बाकी और तो कोई समस्या ना, तेल वेल ज़्यादा लेता हो, चलने फिरने में एवरेज कैसा ट्रैक्टर का? बढ़िया जी, खाली में तो पता सुई गिरती ना कहीं, जैसे 241 तो चलने फिरने में बहुत बढ़िया। हाँ। तो उसके मुकाबले जैसे सड़क पर चलाऊँ तो तेल उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा लेगा, कैसा रहे हिसाब किताब? सड़क पे खाली या खाली लोड पे? खाली इतने लेगा। अजी हाँ, तो ये तो 50 HP का ट्रैक्टर ज़्यादा लेना चाहिए। ज़्यादा कितना ले लेगा, वो भी कम ना लेता, वो भी 6 लीटर ले जा रही घंटे। अजी हाँ, रखा जी हमने जनरेटर है हमारे, बूझ लो ना रहा 50 HP, वो 50 HP का हमारा जनरेटर है, 6 लीटर ले जाओ। इतना बड़ा तो पेट भी ना हो। 21 HP की मोटर चला रखी है हमने, उससे चला दे देखी होगी भैया तुमने तो। चला दे भाई 21 HP। आर यू? ये तो अभी हमने जनरेटर पे यूज नहीं करा, वैसे कहने लगे एक दिन करा इस पर चलाना, चक्कर ना बनो इसके, एक दिन चलाया है चक्कर ना बनो। वो तो उसके चक्कर के हिसाब से 1000 RPM है, 540 है। तो इसमें तो MSPTO भी है, गियर में PTO, तो चला सको इसमें तो गियर में एडजस्ट करके। पावर ब्रेक। अच्छा, नीचे पायदान वाला भी आवा एक ट्रैक्टर, वो क्यों ना लिया? नीचे से अड़ जा, किस चीज मर जाओ? नहीं, डोला पार तगड़ा करना कुदाना ना, ऐसा तो ना अड़। अरे अड़ेगा कैसे, नहीं उसका तो निचला पायदान बहुत नीचे है, यहाँ जाकर तुम ठीक से ही कहीं अच्छा ऊंचा ब्रेकर हो या भरा कूदना हो तो वो तो अड़ जा। अच्छा, बाकी के भी टायर यूनिवी लिए के नीचे से ना, ठीक है जब खेत में गन्ना भर के चलेंगे, स्लीपिंग काटेगा, डोला पार करेंगे, कोई अच्छी डोल आ गई ऊंचे वाली तो वो उसमें जो ही शिकायत अड़ने की। ठीक है, तो कोई किसान 50 HP का ट्रैक्टर लेना चाहे तो ले सके, चाहे आलू की खेती ना करता हो, कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं, अपना घर जैसा है। तो एक ऐसी खासियत बताओ ट्रैक्टर के अंदर जो और किसी ट्रैक्टर में ना हो, 50 HP के मर इसमें है खासियत तो यही, कुछ भी हो खासियत तो ये है वो ट्रैक्टर सब गियर में स्टार्ट हो जाए, गियर में नहीं होता। अब तो सब में आ रहे हैं फीचर? ना, ऐसा कुछ नहीं। चलो, तो दर्शक भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, धन्यवाद।